हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी क्लास 9th की मैथ्स की वर्कशीट 22 एंड टॉपिक इज लीनियर इक्वेशन प्रॉब्लम्स फ्रॉम रियल लाइफ। तो अभी तक हमने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना और उन्हें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना सीखा। आज हम देखेंगे कि जो हमारी रियल लाइफ सिचुएशंस हैं उन्हें कैसे हम इक्वेशंस में कन्वर्ट करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। सो स्टार्ट विद राधिका एंड अफसाना आर गुड फ्रेंड्स। दे हैव डोनेटेड टोटल ₹60 टू CM रिलीफ फंड। व्हाट इज राधिकाज कॉन्ट्रीब्यूशन इफ अफसाना डोनेटेड ₹20। ऑल्सो फाइंड आउट व्हाट विल बी अफसानाज कॉन्ट्रीब्यूशन इफ राधिका डोनेटेड ₹10। शो एल्जेब्रिक एंड ग्राफिकल सॉल्यूशन साइमल्टेनियसली। तो यहाँ हमें एल्जेब्रिकली भी इसे सॉल्व करना है और ग्राफ से भी सॉल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले तो इसे कन्वर्ट करते हैं एक लीनियर इक्वेशन में। तो राधिका का कंट्रीब्यूशन हम मान लेते हैं x है और अफसाना का कंट्रीब्यूशन जो है वो y मान लेते हैं और दोनों का कंट्रीब्यूशन मिला के ₹60 है। इट मींस हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस y इज इक्वल टू 60, यानी राधिका प्लस अफसाना इज इक्वल टू 60। तो उनके कंट्रीब्यूशन का सम हो गया। तो ये हमें मिल गई एक लीनियर इक्वेशन। और इस लीनियर इक्वेशन से अब हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे कि अफसाना अगर ₹20 डोनेट कर रही है तो राधिका का कंट्रीब्यूशन क्या है। तो अफसाना के ₹20 यानी y की वैल्यू 20 हो गई, और y अगर यहाँ पर 20 है तो x क्या हो जाएगा, 60 - 20, दैट इज ₹40। तो ये मिल गया हमें। और दूसरा केस था कि अगर अफसाना का कंट्रीब्यूशन जो है वो ₹10 हो, यानी अफसाना अब जो है ₹10 कर रही है, तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 60 हो जाएगा, यानी तब राधिका का कंट्रीब्यूशन होगा x इज इक्वल टू 60 - 10, दैट इज ₹50। तो ये हमने एल्जेब्रिकली सॉल्व किया एल्जेब्रा का यूज़ करके। अब इसे ग्राफिकली अगर हमें शो करना है तो हम क्या करेंगे, हमारी इक्वेशन x प्लस y इज इक्वल टू 60, फिर वही सॉल्यूशन सेट बनाएंगे और उसके लिए हम ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब जब हमने ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया, अब हम यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं x जो है वो हमारी राधिका है, y जो है वो अफसाना है। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखें, अगर राधिका का कंट्रीब्यूशन 10 है तो अफसाना का कितना हो गया, यहाँ पे देखें 50। राधिका 20 पे है तो अफसाना का कंट्रीब्यूशन हो गया 40। राधिका 30 कर रही है अगर कंट्रीब्यूट, तो अफसाना भी 30 हो जाएगा। सिमिलरली राधिका का कंट्रीब्यूशन अगर ₹40 है तो अफसाना का हो गया यहाँ पर ₹20। तो आप देख रहे हो इस तरह से हम ग्राफ से डायरेक्ट देख पा रहे हैं कि राधिका के कंट्रीब्यूशन पे अफसाना का कंट्रीब्यूशन क्या होगा। तो इस तरह हम ग्राफ से अपने सॉल्यूशंस भी निकाल सकते हैं। सो द ग्राफ हैज़ गिवन अस ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन। टू सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिनेरियोज आर व्हेन वाई इज इक्वल टू 20, तो एक्स हमारा 40 है, यानी राधिका ने 20 किया, तो मतलब अफसाना का 20 है तो राधिका का 40 है, और व्हेन एक्स इज इक्वल टू 10 तो वाई इज इक्वल टू 50। तो ये हमें मिल गया। आप नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारे पास आज हमें क्या क्वेश्चंस दिए गए हैं। So children, let us try to solve following problem by both algebraic and graphical method. तो अब ये questions भी हमें algebraically भी solve करने हैं और graphically भी solve करने हैं। तो फिर वही method, सबसे पहले जो statement है उसे equation में convert करते हैं। तो first statement देखें, Manoj has scored twice the runs what Rahul scored. If Rahul's score is 30 runs, how many runs has Manoj scored? अब मनोज जो स्कोर कर रहा है, मनोज ने कितने रन बनाए, राहुल के ट्वाइस। तो जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं सबसे पहले हम उसी को एक्स मान लेते हैं। सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं किससे, लेट राहुल स्कोर। राहुल का जो स्कोर है वो हम मान लेते हैं एक्स, और मनोज का स्कोर क्या हो जाएगा, वो होगा वाई, उसको हम ले लेते हैं वाई। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या कहा गया है कि जो मनोज है वो राहुल का ट्वाइस है, यानी ट्वाइस यानी टू टाइम्स है राहुल के स्कोर का। तो अगर हम वर्ड में इक्वेशन बनाएं, अब हम इसे एल्जेब्रा में कन्वर्ट कर सकते हैं। मनोज का स्कोर है वाई,
तो 2 इंटू राहुल हो गया x, तो इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू 2x। तो अब एल्जेब्रिकली हम सॉल्व करें कि राहुल का स्कोर अगर 30 रन्स है तो मनोज का क्या होगा, यानी इस केस में हमें इफ़ x जो है वो दे रखा है 30, तो हमें y कैलकुलेट करना है, तो y हो जाएगा 2 इंटू 30 दैट इज 60 रन्स। तो ये हमने एल्जेब्रिकली सॉल्व किया। अब इसे ग्राफिकली सॉल्व करें, तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए इक्वेशन हमारी कौन सी है, यही y इज इक्वल टू 2x। तो इसके लिए अब हम पहले बॉक्स बना लें हमारा सॉल्यूशन सेट के लिए। तो ये हमारा बॉक्स बन गया, ये x, ये y, और यहाँ पर अब हम वैल्यूज़ रख देते हैं, एक ले लेते हैं 10, एक लेते हैं 20 और एक 30। और इसके अकॉर्डिंग अब y की वैल्यूज़ देखें, तो y इज इक्वल टू 2 टाइम्स x, x को 10 लिया तो ये हो गया 20, y इज इक्वल टू 2 इंटू x को लिया 20 तो ये आ गया 40, और y को लिया 2 इंटू 30 तो ये आ गया 60। अब ग्राफ ड्रॉ करें। अब जब हमारे पास बड़ी वैल्यूज़ हैं तो ज़रूरी नहीं कि हम 1 से स्टार्ट करें बेटा, हमें पता है ना हमारे जो इंटरवल्स हैं उनके बीच में डिफरेंस जो है वो सेम रहना चाहिए, हम गैप कुछ भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं 10, 20, 30, 40, इस तरह से ले लेते हैं, ये हो गया हमारा x। और सिमिलरली हम y पे भी ले लेंगे 10, 20, 30, 40, 50 और आगे हम 60 भी ले लेंगे। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। When x is equal to 10, y is 20, यानी ये हो गया हमारा पॉइंट। 20 पे 40, यानी यहाँ से ये हो गया हमारा पॉइंट। और 30 पे 60, यानी यहाँ हमारा पॉइंट हमें मिल गया। और इसे ज्वाइन करते हुए हम लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये हो गया हमारा ग्राफ। ठीक है, ये ग्राफ बन गया। अब हम यहाँ से सॉल्यूशन देखें कि अगर x is equal to 30, यानी राहुल का स्कोर 30 है तो मनोज का क्या है। तो ये है राहुल का स्कोर 30, यहाँ पर आए मनोज के स्कोर को देखा तो वो है 60, तो यहाँ से हमें सॉल्यूशन मिल गया। अगर राहुल का स्कोर 20 हो तो मनोज का स्कोर क्या होगा, ये है राहुल और ये है मनोज, मनोज का स्कोर हो गया 40। तो ये हमने ग्राफिकली भी इसे सॉल्व कर लिया। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज द ऑटो फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर डिस्टेंस इज फिक्स्ड एट ₹10 एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर, फाइंड द टोटल फेयर ऑफ 6 किलोमीटर डिस्टेंस। यानी एक ऑटो में जब हम बैठते हैं तो हमें उसका कुछ एक फिक्स्ड फेयर देना होता है, वो फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो ₹10 जो है वो फिक्स्ड है, और बाद में हम जितना भी ट्रैवल करेंगे उस फर्स्ट किलोमीटर के अलावा जितना भी हम ट्रैवल करेंगे उसके लिए हमें ₹5 पर किलोमीटर पे करना है। तो हमें 6 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए टोटल फेयर बताना है। तो सबसे पहले तो हम देखें जो हमारा टोटल फेयर है उसको हम मान लेते हैं कि वो है हमारा y, और टोटल डिस्टेंस जो हम ट्रैवल करने वाले हैं या हमने ट्रैवल किया है उसे हम ले लेते हैं x वेरिएबल। यानी ये तो हो गया y रुपीस और ये हो गया x किलोमीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी हमारा टोटल फेयर है वो किससे मिलकर बन रहा है, एक तो हमारा जो यहाँ पर फिक्स चार्ज है वो फिक्स्ड फेयर जो हमें देना है, प्लस जो हम आगे सब्सिक्वेंट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं ₹5 पर किलोमीटर के हिसाब से, यानी 5 इंटू एक्स जो हम कर रहे हैं वो। लेकिन अब यहाँ पर 5 इंटू एक्स नहीं लिखेंगे क्योंकि हम फर्स्ट किलोमीटर के लिए फिक्स चार्ज पे कर चुके हैं, यानी एक किलोमीटर तो माइनस हो गया ना टोटल किलोमीटर्स में से, यानी यहाँ हम एक माइनस कर देंगे। तो इक्वेशन क्या हो गई, y इज इक्वल टू फिक्स चार्ज इज 10 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। क्लियर ये कि टोटल डिस्टेंस तो x किलोमीटर है लेकिन उसमें से 1 किलोमीटर के लिए हम फिक्स चार्ज पे कर रहे हैं, तो ₹5 पर किलोमीटर हम रिमेनिंग जो हमारा डिस्टेंस है आफ्टर 1 किलोमीटर जो बच रहा है उसके लिए पे करेंगे, इसलिए हमने इसमें से 1 माइनस कर दिया। तो इक्वेशन क्या हो गई, y इज इक्वल टू 10 प्लस 5x माइनस 5 दैट इज y इज इक्वल टू 5x प्लस 5।
अब एल्जेब्रिकली सॉल्व करें तो 6 किलोमीटर का फेयर अगर हमें निकालना है तो y हो गया 5 × 6 + 5 दैट इज 30 + 5 यानी ₹35। ये हमारा टोटल फेयर आया फॉर 6 किलोमीटर डिस्टेंस। अब इसे ग्राफिकली सॉल्व करना है तो इक्वेशन तो हमारी कौन सी है, वही y इज इक्वल टू 5x + 5। अब इसके लिए सबसे पहले सॉल्यूशन सेट का हम बॉक्स बना लेते हैं। ये हो गया हमारा बॉक्स, ये x और ये y। अब x y की वैल्यू, यानी पहले हम x की वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं। एक बार हम 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। तो अब x की वैल्यूज तो हमने अज्यूम कर ली, अब y की वैल्यू निकालें तो फॉर x इज इक्वल टू 1, 5 × 1 + 5 ये मिला हमें 10। अब यहाँ पे हमने लिख दिया y की वैल्यू 10। अब ध्यान से देखो कि हमारे फर्स्ट किलोमीटर के लिए फिक्स चार्जेस जो हैं वो 10 किलोमीटर्स हैं, है ना। तो यहाँ पर भी फर्स्ट किलोमीटर के लिए हमारे पास ₹10 ही आ रहा है, यानी हमारी इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट है। अब हम x को रखेंगे 2, यानी 5 × 2 + 5 यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 15। तो ये आ गया 15। और जब हम x को रखेंगे 4 तो ये वैल्यू हो गई हमारी 25। तो यहाँ लिख दिया 25। अब हम इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ ड्रॉ करते समय फिर वही ध्यान रखना है कि बड़ी वैल्यूज़ हैं तो आंसर भी जो हम कैलिब्रेशन लेंगे वो भी उसके अकॉर्डिंग लेंगे। जैसे ये हो गया हमारे पास x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस। तो x एक्सिस पे हम ले रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये तो 0 है। और y पे हम ले लेते हैं 5, 5 का गैप ले लें तो ये 5, 10, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। अब ग्राफ प्लॉट करते हैं। 1 पे 10 तो ये आ गया पहला पॉइंट हमारे पास। 2 पे 15 यानी ये आ गया दूसरा पॉइंट। एंड 4 पे 25 यानी ये आया हमारे पास 25। और यहाँ से 4 तो यहाँ हमें पॉइंट मिला। अब इन तीनों पॉइंट्स को जॉइन करते हुए हमें क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। तो अब ये हम ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। ये बन गया हमारा ग्राफ, ठीक है। लाइन जॉइन करते ही हमें ग्राफ मिल गया। अब ग्राफ से हमें देखना है कि अगर हमारा डिस्टेंस 6 किलोमीटर्स है तो हमारा फेयर क्या होगा। तो 6 का मतलब ये हम यहाँ गए और यहाँ पर y की वैल्यू देखें तो y की वैल्यू क्या है 35। यानी फॉर 6 किलोमीटर्स, टोटल 6 किलोमीटर्स वी हैव टू पे ₹35। तो ये जो है हमारा फेयर है इन रुपीस और ये है टोटल डिस्टेंस जो हम ट्रेवल कर रहे हैं। तो देखा ग्राफ से हम किसने इजीली सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। हमने पॉइंट्स कौन से लिए थे, 1, 2 and 4, लेकिन हम 6 के लिए भी सॉल्यूशन देख पा रहे हैं कि सॉल्यूशन क्या होगा। तो इस ढंग से हम एल्जेब्रिकली भी इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं और ग्राफिकली भी हम सॉल्यूशन वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बस इसी टाइप के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एन्जॉय मैथ।